हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल जल्दी से आ जाइए, जल्दी से क्लास को शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके और स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, तो आज होगा हमारा कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो परिवर्तन बैच आप लोगों ने ऑप्शन ले ही लिया होगा, फॉर ऑल एग्जाम के लिए था, तो आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं, तो उस वजह से मैंने बताया भी था यहाँ पे। तो 34 प्लस कोर्स जिसमें यूपीएसआई का लेटेस्ट अभी जो बैच आएगा वो भी इंक्लूडेड होगा, वो आपको मात्र 1100 में मिल रहा है। तो उसके साथ देखो, आपको यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था, तो परचेज करने के यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो 9873111552 पे भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। और बिल्कुल परिवर्तन बैच कैसे लेना है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आपको हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देना, और जितने स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक कर देना। यहाँ पे मैंने होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था कि आपको निम्नलिखित में से कौन संस्था आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर भी आए थे, फटाफट से मैं एक बार नाम ले लूँ और बता दूँ आपको। तो यहाँ पे अंकुर जी, ओके, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। कंप्यूटर सब्जेक्ट थ्योरी से पढ़ाइए, बिल्कुल प्रवेश उपाध्याय जी, आपकी थ्योरी से ही क्लास होगी। क्लासेस देखो बहुत सारी हो चुकी है, अब हल्का सा सिर्फ टॉपिक वाइज करवाने के बाद एकदम नए सिरे से मैं क्लास को स्टार्ट करवाऊंगी। तो एकदम 101 लेवल से फर्स्ट क्लास से आपकी बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर, ओके। राम आशीष कुमार जी, का विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ज्वाइंट इंटेलेटिव, ओके ओके, इसका आंसर आपने बताया ए, फुल फॉर्म होगी इसकी नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे NPTEL बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता भी दूँ NP, ठीक है, NPTEL यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका नहीं हुआ था वो एक बार देख लीजिएगा, NPTEL बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फुल फॉर्म क्या होगी NPTEL की, तो फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, ठीक है। अच्छा, PDF भी दे दिया करिए, ओके ओके। तो सागर जी बिल्कुल आज से PDF मिल जाएगी आपको, एक बार देख लेना आप, ठीक है, जैसे क्लास एंड होगी तो एक घंटे बाद आप चेक कर सकते हो एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे, ओके जी, अच्छा कल था। 15 का ये आंसर बिल्कुल सही है, पूजा देवी जी, पंकज मलिक जी, NPTEL बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोहित त्रिपाठी जी बिल्कुल सही, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग हो जाएगा, थैंक यू सो मच, आप लोग बोलते वेरी नाइस क्लास, अच्छा लगता है, ओके। वेनिका जी, रामबाज जी, ओके ओके, यहाँ पे और क्या आ रहा है आंसर, तो पूजा देवी जी बिल्कुल फुल फॉर्म भी बताई थी आपने, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहेंस लर्निंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थैंक यू सो मच। बी राइट होगा, नहीं नीलम जी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। मनीष पाल जी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और इंडियन वेब वाइड ज्ञानेंद्र सिंह जी बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आज की क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। तो वहाँ पे होमवर्क ऐसे ही आप लोग आंसर करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोग कहते थे कि मैम साइड की आप जूम आउट करते हो ना तो साइड के जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी यार जूम आउट ना करूँ, आपको ऐसे ही यूजुअली दिख रहा होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन की तरफ चलेंगी, आपने शेयर कर चुके हैं, लाइक कर चुके हैं क्लास को, तो आंसर अब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो कंप्यूटर वायरस एक क्या होता है, कंप्यूटर वायरसेस आर क्या होगा, ये एक फफूंद है फंगई, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक IC7344 मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, या फिर एक ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना है। देखो फफूंद तो होने वाला है नहीं, कंप्यूटर के अंदर फफूंद लगेगा कहाँ से, है ना। दूसरी चीज़, बैक्टीरिया कहाँ से घुस जाएगा कंप्यूटर के अंदर, बैक्टीरिया तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक दवाइज भी लेते हैं, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर आ रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि किसी तरह घुसता है आपके कंप्यूटर में और सारी फाइलों को करप्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, और जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है,
जो वर्ड है स्पैम, व्हाट इज द टर्म रिलेटेड टू स्पैम? स्पैम इनमें से किससे संबंधित है? क्या वो कंप्यूटर में कोई चीज़ है उसको हम स्पैम बोलते हैं? क्या आर्ट में कोई चीज़ होती है, कला में, उसको स्पैम बोलते हैं? क्या संगीत म्यूजिक में कोई चीज़ होती है उसको स्पैम बोलते हैं? क्या स्पोर्ट्स में कोई चीज़ होती है उसको स्पैम बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से आंसर करना है आपको। तो स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द होता है? तो व्हाट इज द टर्म रिलेटेड टू स्पैम? कंप्यूटर, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए? बिल्कुल सही आंसर अभी रहा है आपका, और अभी क्या आप लोगों का बहुत पहले कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर स्पैम होता है, और स्पैम का मतलब होता है बेफजूल की अननेसेसरी ईमेल्स। ठीक है, तो अननेसेसरी मैसेजेस या ईमेल आपको आ रहे हैं, आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो उसके अंदर, फिर भी आपको लगातार दिन में 5-6 आ जाते हैं, तो वो आपकी स्पैम होती है। जैसे स्पैम कॉल, कभी कंपनी की कॉल आती है तो उसके नीचे लिखा आता है ना अपने आप पे स्पैम कॉल, मतलब बेफालतू में आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दे रखा है, बिलिंगुअल है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले आपको विचार करना है अच्छे से पढ़ के, और फिर आपको एक सही उत्तर बताना है। पहला दे रखा है प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। तो क्या प्रॉक्सी सर्वर का काम ये है कि TCP/IP एड्रेस आपको उपलब्ध करवाए? सेकेंड यहाँ पे दे रखा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से पर्याप्त अनुराध को अन्य सर्वरों को आयोजित करता है। तो यहाँ पे देखना दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। The proxy server provide TCP/IP address, transmission control protocol, full form होती है TCP की, और IP की full form होती है internet protocol. The proxy server send the request received from the client to the other server. तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ रहा है, बोथ ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। पहला कथन भी ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, प्रॉक्सी सर्वर ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, TCP/IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। और सेकंड आपका कि प्रॉक्सी सर्वर ही है जो कि रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, जो भी क्लाइंट ने उसको भेजी होती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन दोनों ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर ये रहा। फायरवॉल का मुख्य काम है, द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज। तो क्या होता है फायरवॉल का मेन काम? मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, कॉपिंग करना, मूविंग करना, या इसमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से आंसर करके बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फायरवॉल क्या काम करता है, क्या फंक्शन होगा इसका? मॉनिटरिंग करेगा, जांच पड़ताल करेगा, अच्छा सारा सामान सही जगह है या नहीं, डिलीट कर देगा चीज़ों को, कॉपी करेगा, या फिर मूव कर देगा एक जगह से दूसरी जगह, या इसमें से कुछ नहीं। और बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे मॉनिटरिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटरिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इसे भी ध्यान से पढ़ना है, प्रॉक्सी सर्वर के बारे में है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन, अनाधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, TCP/IP देने के लिए, या डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताना है आपको, प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं प्रॉक्सी सर्वर का? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज, टू प्रोवाइड TCP/IP रिक्वेस्ट फॉर डेटाबेस एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। देखो TCP/IP आप नहीं बोल सकते, TCP/IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, TCP/IP थोड़ी ना प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए? बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन बी, और अभी हमने पीछे पढ़ा भी है इसके बारे में।
तो ये प्रोसेस करता है, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा किसी भी वेब पेज को देखने के लिए, तो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसको एक मैसेज सेंड करता है प्रॉक्सी सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन बी जिन्होंने भी किया आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, TCP/IP एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा आपको और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसको एक मैसेज सेंड कर देगा कि अब आप इस पेज को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीके को चलते हैं, ओके, किसी खास तारीख को चलते हैं, तो इसके तो नाम में ही इसका आंसर हो जाएगा, वो क्या कहलाते हैं। तो सच वायरस विच पास ओवर टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे ही वो वायरस आएगा और वो फूट जाएगा, मतलब आपकी फाइलें करप्ट कर देगा, और ऑन अ पर्टिकुलर डेट या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आएंगे, उनको क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बॉम्ब, वॉर्म या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम पर आएंगे या फट जाएंगे तो क्या होंगे, टाइम बॉम्ब में टाइम लगा दो, उसी डेट को आएंगे, उसी टाइम को आएंगे और करप्ट कर देंगे सारी फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है, यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो कौन सा वायरस है, दिस वायरस, जो ये वायरस है वो आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा वायरस हो जाएगा। तो दिस वायरस यूजली कम्स फ्रॉम द, ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, तो दिस वायरस यूजली कम्स फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से आता है, कौन सा वायरस है इसमें से। तो देखो जब भी हम बूटिंग करते हैं, यहाँ पे पहले ऑप्शंस बोल दूँ मैं, ट्रोजन हॉर्स हो गया, बूट सेक्टर वायरस हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, लॉजिक बॉम्ब या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखना, जब भी हम बूटिंग करते हैं, बूटिंग इन द सेंस जब भी आपने नया कंप्यूटर, नया लैपटॉप, नया फ़ोन लिया और उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, आप विंडो उठा सकते हो, भाई माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप लेना चाहते हो तो आप विंडो उठा रहे हो, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, या फिर आप अगर आईफोन एप्पल का आपने लिया है तो मैक डाल रहे हो, मैकिंटॉश डाल रहे हो, अगर फोन है तो एंड्रॉयड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, और आज के टाइम में कौन सा चल रहा है, 10.0 चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज आपसे बोली जा रही है यहाँ पे, क्या, तो फ्लॉपी डिस्क के टाइम जब आप बूटिंग करते हो तो उस वायरस को बोलते हैं हम बूट सेक्टर वायरस, जो कि आपका आंसर भी आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है और जिन्होंने भी बी किया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दे रखा है यहाँ पे, तो ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को, अब एक सॉफ्टवेयर होता है ना बग, मैंने आपको बता रखा है कि बग किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी एरर होती है या मिस्टेक होती है उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम उसे, बग, BUG, बग। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए, मतलब वो ठीक हो जाए, वो कमी है उसको पूरा कर दो, है ना, पूर्ति कर दो, करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो जिससे आप अपने बग को रिपेयर कर सकते हो, तो इंटरनेट पे वो फ्रीली अवेलेबल है, मतलब बग को हटाने के लिए वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं, वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, फैक्ट, FAQ या फिर डन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जल्दी से बताना क्योंकि इसको मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ आप लोगों को और बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ भी रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पैच, तो पैच बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखना बग को हटाने के दो तरीके होते हैं, बग एक तो हटता है आपका डीबगिंग से, बग को हटाना डीबगिंग भी कहलाता है, बग को आप उसकी कमी को पूर्ति कर रहे हो, अब वो कमी नहीं रहेगी, वो डीबगिंग कहलाता है, वो एक तरीके से विदाउट इंटरनेट हो सकता है, लेकिन अगर इंटरनेट की बात होती है और आपको हटाना है बग, तो इंटरनेट के थ्रू आप पैच से हटा सकते हो और यहाँ पे इंटरनेट की बात की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा आपके स्क्रीन पर, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे कृपया करके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना लिखें, ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा है साइबर लॉ की शब्दावली में,
इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी, इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS की फुल फॉर्म क्या होगी, और ये क्वेश्चन मैं बता भी चुकी, आई थिंक आया भी एक दो बार। तो इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी क्या होगा इसका मीनिंग, DOS, DONS नहीं होगा, यहाँ पे डॉन्स लिख रखा है, इट इज़ नॉट डॉन्स, ये होता है DOS, और वैसे ये कैपिटल में आना चाहिए DOS। तो DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल सही यहाँ पे कर भी रहे कुछ स्टूडेंट, डैनियल ऑफ सर्विस, डैनियल ऑफ सर्विस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब यहाँ पे आपको बताना है, समझ में आना चाहिए व्हाट इज डैनियल ऑफ सर्विस, है क्या डैनियल ऑफ सर्विस, तो याद रखना, समझना पहले अच्छे से। अब देखो होता है क्या, आप कोई गेम चला रहे हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर या गेमिंग एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की अपने कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या फोन के अंदर। अब होता क्या है, वायरस के कारण कोई वायरस आ गया, या आपको डर है कि आपका डाटा उस एप्लीकेशन से चोरी ना हो जाए, किसी तीसरी पार्टी को ना चला जाए, वो फायदा उठा ले और आपका डाटा लीक कर दे। तो इस डर के कारण कि वायरस आ गया है या फिर आपका डाटा लीक हो गया है, तो इन सब डर के कारण आप उस एप्लीकेशन को, उस सर्विस को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसका आप लाभ नहीं उठा पा रहे, तो उसको बोला जाता है DOS, डैनियल ऑफ सर्विस। सर्विस का पूर्ण रूप से लाभ ना उठा पाना, सर्विस को पूर्ण रूप से ना चला पाना या फिर नहीं इस्तेमाल कर पाना, वो आपका डैनियल ऑफ सर्विस कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है, तो एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतिमा स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, भले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अ प्रोग्राम विच हैज़ द एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स एंड विच कैन मेक इट्स ऑन कॉपीज एंड स्प्रेड टू अदर प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ये वो प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो आ तो जाएगा अकेले दम पे, है ना, आ तो जाएगा अकेले दम पे, कहते हैं ना आएंगे तो हम आपकी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से, तो ये वही प्रोग्राम है आपका। तो वो प्रोग्राम आपको बताना है कौन है जो आता अकेला है, फिर फाइलों में टूट के 5-6 पार्ट में अपने आप को खुद डिवाइड कर लेगा, विभाजित कर लेगा, फिर आगे चलेगा और फाइलों में टूट के अपने आप को और पार्ट में डिवाइड कर लेगा, विभाजित कर लेगा, मतलब अपनी ही स्मृति अपने आप बनाता रहता है, अपने आप को अपने आप ही उपज करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। तो क्या है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ रहा है, वॉर्म, वॉर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉर्म भी आपका एक तरीके का मॉलवेयर होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मॉलवेयर, तो वॉर्म भी आपका एक तरीके का मॉलवेयर है, वायरस भी एक तरीके का मॉलवेयर है, ट्रोजन हॉर्स भी आपका एक तरीके का मॉलवेयर है। तो जो मॉल वर्ड आता है ना, MAL, ये मैल जो शब्द है ना, ये इंग्लिश का रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गंदा। जहां भी शब्द स्टार्टिंग में लग जाता है, मतलब क्या हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है, तो ये गंदे से संबंधित है। मॉलवेयर का मतलब होता है एक गंदा सॉफ्टवेयर, तो ये वॉर्म भी एक गंदा सॉफ्टवेयर है जो कि अपनी स्मृतियां खुद ही बनाता है, अपने आप को फैलाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शगुन का 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और जिनका सही उत्तर आ रहा है बिल्कुल भाई क्लास को लाइक करते रहना, और अगर आपने एग्जामपुर का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कर रखा है तो नीचे देखिए रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित पते पर किसी एव्यूज़र द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। ये आई थिंक पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया आज। रिपीटेडली सेंडिंग द सेम ईमेल मैसेज बाय एन एव्यूज़र टू अ सर्टेन एड्रेस इज कॉल्ड। आपको जरूरत नहीं है, बार बार मेल भेजा जा रहा है, बार बार वो संदेश या मैसेज भेजा जा रहा है, आप उसको नहीं चाहते देखना, आप अननेसेसरी उसको इग्नोर कर रहे हो, बट एक दिन में 5-5, 6-6 बार वो मैसेज आए जा रहे हैं, तो वो मेल क्या कहलाता है आपका, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बेमिंग, या फिर इसमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा,
ईमेल स्पूफिंग होगा, ईमेल स्पैमिंग होगा, ईमेल बैमिंग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ईमेल स्पैमिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो ईमेल स्पैमिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बार बार मेल या संदेश आपको भेजा जा रहा है, यहाँ पे ईमेल स्पैमिंग ऑप्शन भी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, पढ़ लेते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है, इनमें से किसमें वायरस के लक्षण होने की संभावनाएं नहीं होती। देखो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीटेडली हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है, इस केस से मुझे हर सेट में ये डालने पड़ते हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें और आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको बिल्कुल भी गलत ना करें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है, मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकन गायब हो जाए तो आपको लगेगा कि भाई इसमें वायरस नहीं हो सकता, सीडी रोम का काम करना बंद कर दे, वेब ब्राउजर कोई असामान्य होम पेज खोल दे, स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखने लगे, या इसमें से कोई नहीं। द फॉलोइंग इज नॉट वेरी लाइकली टू बी अ सिम्टम ऑफ द वायरस, कौन सा वायरस का सिम्टम नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल और आइकन डिसअपीयर्स, CD-ROM stop working, the web browser open an unusual homepage, unusual messages or pictures appear on the screen, या none of these। तो क्या है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी कर रहे हो आप लोग, और जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया बिल्कुल सही है। CD-ROM अगर अपने आप काम करना बंद कर दे तो जरूरी नहीं है कि वायरस आ गया, हो सकता है कि आपका CD-ROM मेमोरी फुल हो चुकी है या फिर वो अपना बर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी अगर आपकी प्रोग्राम या फाइल गायब हो जाती है तो वायरस आ चुका है। कई बार होता है ना, आपने पिक्चर्स क्लिक करी और वो पिक्चर गायब हो गई, फिर अपने आप कुछ टाइम बाद दिखने लगती है, फिर गायब हो जाती है, मतलब वायरस है आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप या फिर किसी भी चीज़ के अंदर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर वेब ब्राउज़र आप खोलना चाहते हो कोई और, आप एग्जामपुर का वेब पेज खोलना चाहते हो, अचानक से खुल कुछ और ही जाता है, मतलब वायरस। स्क्रीन पर अगर अपने आप ही संदेश दिखने लगते हैं, अपने आप ही चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं, मतलब वायरस, ठीक है। तो ये सब वायरस के लक्षण होते हैं, लेकिन सीडी रोम अपने आप बंद हो जाए जरूरी नहीं कि वायरस आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक तरीके से कंप्यूटर वायरस की शब्दावली, शब्दावली नहीं कह सकते आप इसको, एक तरीके से कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन पूछी है यहाँ पे। तो बताना है आपको कंप्यूटर वायरस क्या है, इसमें से एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ, जो अपने आप को ही कॉपी करता रहता है, अपने आप की ही प्रतिलिपियां बनाता रहता है। अब वायरस दैट अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, क्या हमारे ऐसा वायरस है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उपरोक्त दोनों ही काम इसके होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी काम ये नहीं करता है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है और आपने आंसर भी कर रहे हो और बिल्कुल सही भी यहाँ पे है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, तो वो एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो अपने आप ही अपनी प्रतिलिपियां बनाता रहता है ना, और क्या करता है, तो आपकी फाइलों को करप्ट करता है, तो वो आपका वायरस कहलाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, तो वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री इनटू सम प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो वो जो कि आपके पास ही है, आप ही उसकी मदद से अपने गोपनीय डॉक्यूमेंट में एंट्री ले सकते हो, बाकी और किसी को कोई भी एंट्री लेने की सुविधा नहीं होती, वो क्या कहलाता है आपका सीक्रेट कोड, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, बिल्कुल पासवर्ड ही होता है ना, जैसे कि आपने एग्जाम्पल का ऐप इंस्टॉल कर लिया, बिल्कुल पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आप लोग मांगते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल का पहले तो ऑफिशियल ऐप आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है गूगल प्ले से, वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड बनाओगे, उसके बाद आप यूट्यूब में फ्री क्लासेस के पीडीएफ के उस पे ऑप्शन पे जाना, उसके बाद जाने के बाद आपको कंप्यूटर दिखेगा, वहाँ से आप कंप्यूटर में जितनी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई है वो सारी मिल जाएंगी, आज की भी मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ही पासवर्ड है तो उसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो। चाहे फेसबुक की बात करो, फेसबुक की भी आईडी पासवर्ड आपके पास है तो सिर्फ आप ही एक्सेस करोगे, अगर आप किसी और को दे देते हो तो वो एक्सेस कर लेता है। अदरवाइज वो गोपनीय कोड क्या कहलाता है, पासवर्ड, जिसके पास है वही उसको चला सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसमें इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दे रखा है, तो पासवर्ड के प्रोग्राम से उपयोगकर्ता यूजिंग यूजर यूजिंग पासवर्ड, तो पासवर्ड को इस्तेमाल करके एक यूजर या उपयोगकर्ता क्या करता है, जल्दी सिस्टम में जा सकता है, कैन गो टू द सिस्टम क्विकली, समय का दक्ष प्रयोग कर सकता है, यूज एफिशिएंट टाइम, गोपनीयता बरकरार रख सकता है, कैन मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ढांचों को सरल बना सकते हैं, कैन सिंपली द स्ट्रक्चर्स, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पासवर्ड देखो, कई बार आप जब पासवर्ड बनाते हो तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आती है कि पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें इतने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो ये सारी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है, यही आपका होमवर्क हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करना, आप देखते हो वीडियोस, बहुत सारे बच्चे हैं ना ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन कमेंट कम आते हैं, तो कमेंट करने की आदत डालिए ताकि उससे आपका चीज़ें इंप्रूव होंगी। आप रिसर्च खुद करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। अब एक और चीज़ मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी थी, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखो, कल मैं सोच रही हूँ, कल क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं ना, तो जो डाउट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, तो आपके डाउट्स आप ही को पता है, तो कल मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए डाउट सेशन लाऊं। पहले तो देखो, आज की जो क्लास होनी है ना 2:30 बजे, जो 2:30 बजे आज क्लास होगी, राजस्थान पुलिस पटवार की होती है, उस क्लास के अंदर मैंने करवाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस। तो आप फॉर ऑल एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो जिनमें भी इंपॉर्टेंट ये सेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो जरूर आज की 2:30 बजे वाली क्लासेस देख लेना। कल मैं सोच रहा हूँ डाउट सेशन लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, आप लोगों के जितने भी डाउट हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में आपने देखे हो, किसी भी पेपर में देखा हो, इंटरनेट पे देखा हो, एक्स वाई जेड कहीं से भी, तो वो आज आप ऑफलाइन कमेंट करके नीचे बता सकते हैं अपने डाउट्स को। और कल मैं डाउट सेशन लेकर आऊँगी, कल क्वेश्चंस बेशक नहीं करेंगे पर आपके डाउट्स को मैं क्लियर करवा दूंगी। जैसे सपोज एक्स वाई जेड आप में से किसी ने एक डाउट पूछा, उसका स्क्रीनशॉट ऊपर लगा के उसको अच्छे से नीचे एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। तो डाउट खत्म होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, पीछे की चीज़ें पहले कंप्लीटली 100% आनी चाहिए, आफ्टर डैट उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो डाउट सेशन की सोच रही हूँ तो बिल्कुल नीचे आपको कमेंट करना है, क्लास कैसी लगी जरूर फीडबैक देते रहिए जैसा कि आप देते भी हो। होमवर्क का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आंसर करना है, और डाउट सेशन के बारे में जो भी डाउट है आप आज ही, आज मैं आपको एक टाइम लिमिट दे देती हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको टाइम लिमिट दे देती हूँ, तो आज शाम 6 बजे तक, 6 PM, तो आज शाम 6 बजे तक आप अपने सारे डाउट्स नीचे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में लगा देती हूँ, दोबारा से 15 होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसका आंसर कर सको, ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपने डाउट सेशन के साथ, डाउट जरूर पूछना तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, अदरवाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो बताऊंगी। क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल ठीक अपने ही टाइम पर। तब तक के लिए आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, घर वालों का और अपना ख्याल रखना है। तो मिलते हैं कल, जय हिंद, जय भारत।